सो हेलो दियर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दियर एक्स फैमिली पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिक्स के एक टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैबलेट। तो मैं बी फार्मा थर्ड ईयर के बच्चों से ये कहना चाहूँगा यार, जब तक आप लोग टॉपिक नहीं दोगे मुझे, मैं आप लोगों के लिए वीडियो कैसे बनाऊंगा। तो ऐसे टॉपिक कमेंट करो जो आप लोगों को कहीं ना मिल रहे हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज टैबलेट, टैबलेट के बारे में अगर जैसे इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप और इसके गुड क्वालिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा है। हालांकि उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, मगर देख लेना क्योंकि पढ़ाई लिखाई के वीडियो अक्सर करके ऐसे नहीं होते हैं कि एकदम अच्छे कान पे लगे, ठीक है। फिलहाल अब बात करने वाले हैं टैबलेट के बारे में। द टैबलेट्स आर सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म विच मे कंटेन वन और मोर मेडिकामेंट अलॉन्ग विद अदर एक्सीपियंट्स, ठीक है। तो अभी एक शब्द आ रहा है सॉलिड। सबसे पहली बात, टैबलेट को हाथ में उठा के दबाओगे तो वो दबेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है, ठीक है। यूनिट डोजेस फॉर्म से मेरा मतलब है एक ऐसा डोजेस फॉर्म जिसके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है, 1 mg, 2 mg, 500 mg, 200 mg, 750 mg, मतलब किसी एक डोजेज फॉर्म के अंदर जब आप फिक्स्ड अमाउंट डाल देंगे तो उसको आप कह सकते हैं यूनिट, ठीक है। तो अब यूनिट और डोजेज फॉर्म, यूनिट डोजेज फॉर्म, सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होता है टैबलेट जिसके अंदर एक या एक से अधिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट या कहा जाए मेडिकामेंट पाए जाते हैं एक्सीपियंट्स के साथ में। अब ये एक्सीपियंट क्या है, पहले आप रेड पॉइंट जो है अगर इसको एग्जाम में लिख दोगे बहुत अच्छे नंबर उठेंगे, नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है। एक्सीपियंट, एन एक्सीपियंट में भी डिफाइंड एज अ नॉन टॉक्सिक, जहरीला नहीं होता है, फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव, मतलब फार्माकोलॉजिकली हमारे शरीर में जाने के बाद कोई इंट्रैक्शन नहीं करता है किसी से, आराम से हमारे यूरिन के रास्ते आते ये बाहर आ जाते हैं। विच आर मिक्स्ड विद द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडियंट सो एज टू गिव दैम अ फेस ऑफ डोजेस फॉर्म, इनको मिक्स किया जाता है किसी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट के साथ में ताकि एक चेहरा, ताकि एक शेप प्रोवाइड कर सकें ये किसी भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट को, ठीक है। अभी देखना यहाँ क्या बता रहा है, द टैबलेट में आइदर बी कंप्रेस्ड और इट में बी मोल्डेड इन टू अ सिलेंड्रिकल शेप। ये जो टैबलेट होता है या तो ये कंप्रेस किया गया रहता है मशीन के द्वारा, इसको दबाया जाता है, या तो इसको मोल्ड किया जाता है, ऐसा कह लो कि इसको मोल्ड किया जाता है, मतलब कि किसी एक सांचे में रख के किसी पाउडर को दबा दिया जाए तो उसको मोल्ड कहा जा रहा है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि या तो ये कंप्रेस्ड होते हैं या तो ये मोल्ड होते हैं, मगर ये होते एक सिलेंड्रिकल शेप के हैं, ठीक है। दैट में बी आइदर अ फ्लैट और कॉन्वेक्स सरफेस। अब ये जो टैबलेट होते हैं या तो इनका सरफेस फ्लैट होता है और या तो इनका सरफेस ऐसे कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं द कॉमनली यूज्ड एक्सीपियंट आर लिस्टेड बिलो। देखो आप लोगों के सिलेबस में ही एक टॉपिक देके रखा है एक्सीपियंट्स, ठीक है। तो अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में बता देना कि सर मुझे भी एक्सीपियंट के बारे में जानना है, जितना ज़्यादा बोल दोगे उतना जल्दी मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जो एक्सीपियंट इसमें यूज करे जाते हैं वो होते हैं डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेंट, एंटी एडहेरेंट, कलरेंट, बाइंडर एंड एडहेसिव, ल्यूब्रिकेंट्स, फिलर एंड स्वीटनर्स। इन सब का अलग अलग रोल है। तो चूंकि मैं यहाँ पर आपको एक्सीपियंट के बारे में नहीं समझा रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ आपको आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैबलेट के बारे में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टैबलेट और वी कैन से एन आइडियल टैबलेट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज दैट आर लिस्टेड बिलो। जो एक आदर्श टैबलेट होते हैं उसकी क्या पहचान होती है, या कहा जाए जो आदर्श टैबलेट होते हैं उनकी पहचान जो है वो निम्नलिखित नीचे दिया गया है, ठीक है। बाउंस हो गया, ठीक है। पहला क्या आपको ये एज इट इज़, जैसा हमने, मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ द डी आर एक्स फैमिली के सारे वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, तो आप इसको बेझिझक अपने एग्जाम में लिख लेना। पहला पॉइंट क्या बता रहा है, एन आइडियल टैबलेट इज मोस्टली एलिगेंट इन अपीयरेंस एंड हैव इट्स ओन आइडेंटिटी। मतलब एक जो आदर्श टैबलेट होता है, मतलब जो बढ़िया टैबलेट होता है वो सुंदर देखने में सुंदर लगता है, एलिगेंट, ठीक है, वो देखने में सुंदर लगता है, एलिगेंट इन अपीयरेंस एंड हैव इट्स ओन आइडेंटिटी, और उसका शेप कुछ ऐसा होता है कि उसके वजह से उसकी पहचान हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड नंबर के पॉइंट पर, जो बोल रहा है एन आइडियल टैबलेट इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट सच एज क्रैक, चिप, कंटामिनेशन एंड डिस्कलरेशन एक्सेट्रा। मतलब ये बोल रहा है कि एक आदर्श टैबलेट जो होता है, मतलब एक आदर्श टैबलेट की पहचान कुछ ऐसे होती है कि उसके ऊपर ना तो कोई क्रैक देखने को मिलता है, ना ही उसके ऊपर चिपिंग देखने को मिलता है, ना ही वो कंटामिनेटेड होता है और ना ही उसके अंदर डिस्कलरेशन होता है। मतलब ये बता रहा है कि वो कहीं दरार नहीं होता है उसके अंदर, उसके ऊपर के कोई पपड़ी नहीं जमी रहती है उसके ऊपर, कहा जैसा उसका लैमिनेशन नहीं फटा रहता है, चिपिंग नहीं हुआ रहता है, ठीक है।
ये यहाँ पे बल्कि अप्रोप्रिएट में देखेंगे तो इसका कहीं ना कहीं क्राउन टूटा है, तो इसको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है चिपिंग। और कंटामिनेशन से मेरा मतलब है सफ़ेद कलर का टैबलेट देख लो, पूरे तरीके से ये सफ़ेद है, कम्प्लीटली सफ़ेद है, कहीं भी काला धब्बा नहीं है। अगर काला धब्बा होता तो उसको कंटामिनेशन हम मान लेते हैं। डिसकलरेशन से मेरा मतलब है 100 टैबलेट अगर हम लोग को कलर करना है तो 100 के 100 टैबलेट एक ही कलर के हों, उनको कलर जो है चेंज ना हो, तो ये एक आइडियल टैबलेट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। एन आइडियल टैबलेट इज़ फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल। सपोज कर लो तीसरा वाला बता रहा है पॉइंट कि फिजिकली और केमिकली इसको स्टेबल होना चाहिए। मानो हमने टैबलेट बनाया 2017 में, तो 2022 तक उस टैबलेट का कलर जो है, अगर हमने एक्सपायरी डेट दिया है कि 2022 में एक्सपायर हो जाएगा, तो उस 2022 तक उसके अंदर कलर चेंज नहीं आना चाहिए, या कहा जाए वो टैबलेट टूट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कलर चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो केमिकली स्टेबल है, उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। और पाउडर में मतलब वो टूट नहीं जाएगा तो हम कहेंगे कि वो फिजिकली भी स्टेबल है। देखिए अब होता क्या है, फिजिकली स्टेबल या कहा जाए केमिकली स्टेबल होना टैबलेट को बहुत ज़रूरी है। अगर फिजिकली स्टेबल नहीं रहेगा तो डिस्पेंस करते समय या एक जगह से दूसरे जगह रखते समय टैबलेट टूट जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक यूनिट डोजेज फॉर्म होता है, अप्रोप्रिएट डोज इसके अंदर पाया जाता है किसी एक दवा का, किसी एक या एक से अधिक दवा का, तो हमको पता है कि फार्मेसी में अगर किसी दवा का डोज सही से ना दिया जाए किसी एक पेशेंट को तो बीमारी सही नहीं होगा, और अगर डोज बहुत ज़्यादा दे दिया जाए तो बीमारी सही होगा ही होगा, मगर उसके अंदर टॉक्सिसिटी शो कर देगा, शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ जो होंगे जमा हो जाएंगे। तो वही बता रहा है एक टैबलेट को फिजिकली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। तो अभी चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, एन आइडियल टैबलेट रिलीजेस द मेडिकामेंट्स इन द बॉडी इन अ प्रिडिक्टेबल एंड रिप्रोडक्टिव मैनर। मतलब पहले से ही हमको अनुमान लगा लेते हैं कि कैसे दवाएं हमारे शरीर के अंदर जाएगा, कितने घंटे के अंदर घुलेगा और कितने घंटे के अंदर ये अपना काम करेगा, तो इसको कहते हैं प्रिडिक्टेबल एंड रिप्रोडक्टिव मैनर। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि एक आदर्श टैबलेट जो होता है वो दवा को, जो उसके अंदर दवा प्रेजेंट है, जो भी दवा को वो कैरी कर रहा है, उसको वो रिलीज करता है उसी तरीके से जिस तरह से आपने सोच के रखा था। An ideal tablet have an appropriate size and shape that makes its administration easy. मतलब एक ideal tablet जो होता है उसका शेप और उसका साइज दोनों appropriate होता है, मतलब जितना चाहिए उतना ही होता है, और इसके वजह से कि उसको आसानी से हम लोग एडमिनिस्टर कर सकें। अब मान लो तुमको मैं पैरासीटामोल 500 mg देता हूँ तो तुम उसको आराम से जीप पे रखोगे, पानी से पी जाओगे। अब मैं अगर मान लो भैंस वाले दवाई में पैरासीटामोल 500 mg दे दूँ तो टैबलेट इतना बड़ा रहेगा कि तुम्हारे पूड़ी या कहा जाए तुम्हारे चपाती के बराबर तो टैबलेट ही होगा, तो क्या तुम उसको खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। तो वही बता जा रहा है ह्यूमन के लिए एक आइडियल टैबलेट ऐसा होता है जिसका शेप और साइज इतना रहे कि आराम से उसको हम खा सकें। An ideal tablet is neither too hard nor too soft. मतलब एक अच्छा टैबलेट जो होता है, अब देखना फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो आपको टैबलेट डिफेक्ट के बारे में जानना है या टैबलेट के इवेल्युएशन कैसे करते हैं इसके बारे में जानना है तो कमेंट डाउन जरूर करना, मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर मुझे बताइए फाइजर और हार्डनेस मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर क्या है, इन सब के बारे में मैं बताऊँगा जरूर जब पूछोगे तब। एन आइडियल टैबलेट इज़ नाइदर टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट, मतलब एक आइडियल टैबलेट जो होता है वो ज़्यादा टाइट भी नहीं होता कि अगर हाथ से तोड़ना पड़े तो टूटे ना, और इतना सॉफ्ट भी नहीं होता है कि उसको उंगली लगा देंगे तो वो टूट जाए। ठीक है, तो वही बता रहा है कि एक आइडियल टैबलेट को ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। एज इफ इट वुड बी हार्ड, चूंकि अगर वो हार्ड रहेगा इट वुड नॉट डिसइंटीग्रेट विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, मतलब वो दिए हुए निर्धारित समय में हमारे पेट के अंदर घुलेगा नहीं, एंड हैंस विल नॉट शो इट्स इफेक्ट, और जब वो घुलेगा ही नहीं तो अपना इफेक्ट कैसे शो करेगा हमारे शरीर पर। एंड इफ इट्स टू सॉफ्ट, और अगर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है देन इट मे इजिली ब्रेक, तो ये आराम से टूट जाएगा ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, जब उसको बना रहे हैं उस समय, जब उसको पैक कर रहे हैं उस समय, जब उसको शिप कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं उस समय, जब आप उसको किसी पेशेंट को डिस्पेंस कर रहे हैं उस समय। तो मैंने आपसे बार बार बोला कि टैबलेट एक सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होता है। यूनिट से मेरा मतलब है उसके अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं कुछ एमजीज में। तो अगर मान लो हमारा टैबलेट सॉफ्ट रहेगा और वो टूट जाएगा आराम से जब प्रोडक्शन हो रहा है, जब पैकेजिंग हो रहा है, जब शिपिंग हो रहा है या डिस्पेंसिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा डोज अफेक्ट होगा। ठीक है, तो एक आइडियल टैबलेट को ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो अभी सातवां पॉइंट क्या बोल रहा है, एन आइडियल टैबलेट हैप्स एन यूनिफॉर्म कलर डिस्ट्रीब्यूशन इफ कलरेंट यूज्ड। अगर कलर का इस्तेमाल किया आपने किसी, कोई मान लो ऐसा कर लो कोई एक टैबलेट लिए उस पर आपने कलर का इस्तेमाल किया, ठीक है, तो पूरा का पूरा वो कलर एक छोर से दूसरे छोर तक होना चाहिए। अच्छा,
इसका और क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। ऐसा सपोज करो कि तुम्हारे घर पे एक जीन्स है, जीन्स तुम्हारा फेड हो चुका है पूरी तरह से, तुमने उसको कलर करने के लिए मार्केट से कलर खरीद के लाया काले कलर का, ठीक है, पानी में गर्म किया उसको, तुमने बॉयल किया, जीन्स डाला, सब प्रोसीजर किया। जब जीन्स को बाहर निकालोगे तो होगा क्या, पैरों का जो तुम्हारा पैर है वो काले कलर का हो गया है, मगर जहाँ पॉकेट है वहाँ काले कलर का नहीं हुआ। तो हम उस समय कहेंगे कि कलर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, ठीक है। जब पूरा का पूरा जीन्स एक ही कलर का रहेगा, जिस कलर को तुमने डाला उसी कलर का पूरा पूरा जीन्स हो जाए, तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म कलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो वही चीज़ टैबलेट में बता रहा है कि टैबलेट के अंदर भी यूनिफॉर्म कलर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब अगर वो नीले कलर का टैबलेट है तो ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से लेके बाएं तक वो यूनिफॉर्म मतलब नीले कलर का ही रहे। तो ये भी एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है टैबलेट का। तो खैर आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं, यहाँ अगर आप एक नर्स हैं, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड कंटेंट इस पर पढ़ते रहते हैं। और अगर आप हमारे इंडिया के जागरूक जनता हैं जो चार दवाओं के बारे में जान के, चार बीमारियों के बारे में जान के, चार लोगों को बताना चाहते हो, तो बात मानो मेरा, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटा जरूर दबाना ताकि कोई भी अपडेट आपसे घंटा ना मिस हो। और तो बस बात यहीं पर ख़त्म करते हैं।